अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दरमियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे नामांकन में। इसके अलावा कई दिग्गज चेहरों की मौजूदगी रहेगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन के दरमियान देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी रहेगी। बीजेपी की तरफ से हर संभव कोशिश की इसमें ज्यादा से ज्यादा बड़े चेहरे मौजूद रहें। और इतना ही नहीं, बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरों के अलावा एनडीए के घटक दलों के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो भी इस दरमियान मौजूद रहेंगे। 18 केंद्रीय मंत्रियों की भी मौजूदगी रहेगी, जबकि 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी नामांकन के दरमियान मौजूद रहेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी का नामांकन और काशी में बम बम, कुछ इसी तरीके का नजारा आज वाराणसी नगरी में देखने को मिल रहा है। हमने कल भी देखा, रोड शो जबरदस्त ग्रैंड शो साबित हुआ हर तरफ, चप्पे चप्पे पर, बल्कि मैं ये कहूं कि हर इंच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ आगे बढ़ रहा था उस दरमियान चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ पुष्प वर्षा हो रही थी। वाराणसी नगरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालांकि यूं तो गृह राज्य गुजरात है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से प्यार मिलता है, अपनत्व मिलता है, उसकी वानगी हमने रोड शो के दरमियान देखी। और आज नॉमिनेशन के दरमियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा बात की जाए तो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 18 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी के साथ साथ एनडीए घटक दल के तमाम बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे भी मौजूद रहेंगे। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं काल भैरव से आशीर्वाद और फिर नामांकन। 2014 में काल भैरव की पूजा की, इसके बाद नामांकन दाखिल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक इसी तरह 2019 में भी काल भैरव की पूजा अर्चना करने के बाद नामांकन दाखिल करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और 2024 आज भी काल भैरव की पूजा के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। तो हैट्रिक की तैयारी से पहले ईश्वर का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। और काशी के बारे में तो कहा ही जाता है कि काशी के द्वारपाल हैं काल भैरव। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव का आशीर्वाद न लें, ये तो हो नहीं सकता। तो गंगा स्नान के बाद काल भैरव में पूजा अर्चना और इसके बाद नामांकन। 2014 के नामांकन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2019 के नामांकन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और 2024 एक बार फिर नामांकन के लिए तैयार। काशी नगरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर हैट्रिक लगाते हुए संसद तक भेजने के लिए पूरी तरह तैयार। बीजेपी की भर संभव कोशिश कि इसे और पहले से बेहतर और ग्रैंड बनाया जाए, तभी दिग्गजों का जमावड़ा आज नॉमिनेशन के दरमियान वाराणसी नगरी में। बीजेपी के तमाम दिग्गजों के साथ एनडीए घटक दल के तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं। देखिए 18 यहां पर केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के दिग्गज चेहरे अमित शाह, जेपी नड्डा समेत एनडीए घटक दल के हर बड़े चेहरे को भी यहाँ पर नामांकन के दरमियान मौजूद रहने के लिए कहा गया है और सभी यहाँ मौजूद हैं। हमने कल रोड शो के दरमियान भूपेंद्र चौधरी को देखा था, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जनता के बीच मौजूदगी रही। अब तस्वीरें आप देख लीजिए, दशाश्वमेध घाट सजकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गंगा स्नान के लिए पहुंचेंगे। काल भैरव मंदिर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की यहां पर मौजूदगी और जिला कलेक्ट्रेट पर भी सुरक्षा के इंतजाम आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिग्गजों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो शंकर की काशी सज धज कर तैयार है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान के लिए पहुंचेंगे, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के यहां पर भी खास इंतजाम किए गए हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करेंगे, इसके बाद वो क्रूज पर सवार होकर के एक इंटरव्यू भी देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से काल भैरव मंदिर जाएंगे। पीएम मोदी के मंदिर पहुंचने से पहले मंदिर में भी सुरक्षा को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम के आगमन के चलते यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तीसरी तस्वीर वाराणसी जिला कलेक्ट्रेट की, जहां पीएम मोदी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचेंगे और करीब 11:45 बजे वहां पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि अभिजीत मुहूर्त की जो बात की जा रही है 11:40 के आसपास का रहेगा। आज का दिन बेहद शुभ, गंगा सप्तमी की तारीख, और कहा जाता है कि ये वो तारीख जिस दिन गंगा को माना जाता है कि धरती पर वो उनका अवतरण हुआ था। और ये देखिए किस तरीके से पूजा पाठ भी हो रहा है नॉमिनेशन से पहले, पूजा पाठ के साथ में, मंत्रोच्चार के साथ में ईश्वर को याद करना भी जरूरी होता है। और किसी भी शुभ काम के लिए तो पहले ईश्वर और बाद में वो काम, लिहाजा हर संभव कोशिश कि ईश्वर को याद करते हुए आज तीसरी बार
हैट्रिक बनाने से पहले नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, अंतिम क्षण की तैयारियां, दशाश्वमेध घाट जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, गंगा पूजन करेंगे, गंगा स्नान की भी बात कही जा रही है। और ये देखिए इस वक्त पूजन अर्चन चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, किस तरीके से नॉमिनेशन से पहले पूजा अर्चना की जा रही है, ये तस्वीरें आप प्रयागराज की देख रहे हैं। तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पीएम देखने की उम्मीद, भरोसा देश भर में है। और प्रयागराज में भी देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहाँ पर रखी गई है और उनके लिए पूजा अर्चना की जा रही है कि वो फिर सफल हो सकें। चलिए अब आपको सीधे एक बार फिर वाराणसी की ओर ले चलते हैं। प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए पूजा अर्चना चल रही थी। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, सौरभ अग्रवाल वाराणसी से, साथ में कृष्णमोहन शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी। सौरभ, पहले आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामांकन दाखिल करेंगे, इसे बीजेपी ने ग्रैंड बनाने की भरसंभव कोशिश की है, तमाम दिग्गजों का जमावड़ा है, कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान के लिए पहुंचेंगे, गंगा पूजन की बात कही जा रही है, फिर काल भैरव के दर्शन भी होने हैं, जरा शेड्यूल के बारे में बताएं आज के। जी देखिए प्रीति, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेका गेस्ट हाउस से निकलेंगे जहां वो रात्रि विश्राम किया था उन्होंने, और वो पहले दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे। दशाश्वमेध घाट वही है जहां पे विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की जाती है, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ आरती देखने पहुंचे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी गंगा घाट पे दशाश्वमेध घाट पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं गंगा घाट पर करीब 9 बजे की टाइमिंग रखी गई है, वहां 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री को पहुंचना था, और अब लगभग आपसे 10 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे। वहां पर गंगा पूजन की व्यवस्था की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गंगा पूजन करेंगे, चूंकि गंगा सप्तमी पर गंगा पूजन का विशेष महत्व है, ऐसे में वाराणसी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वो गंगा पूजन करेंगे और गंगा का आचमन करेंगे। पहले नहा गंगा स्नान की भी बात की जा रही थी, से इसमें कुछ तब्दीली की गई है, तो अब प्रधानमंत्री वहां पर विधि विधान से गंगा पूजन करेंगे और फिर वहीं से क्रूज पर सवार होकर काशी के गंगा घाटों का जायजा लेते हुए, काशी के गंगा घाट पर जो लोग रहते हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री, और नमो घाट से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से बाबा कालभैरव के दरबार पहुंचेंगे। वहां करीब 20 मिनट तक की पूजा रखी गई है, उसमें भैरवाष्टक मंत्र से पूजा पाठ कराया जाएगा जिससे कि प्रधानमंत्री जिस लक्ष्य को लेकर निकले हैं उसकी पूर्ति हो, साथ ही इसमें कोई अगर बाधा हो तो भैरवाष्टक मंत्र से उसका नाश होता है, बाबा भैरव रक्षा करते हैं उससे, तो उस तरीके की विशेष पूजा की वहां पे तैयारी कर रखी है। वहां अंदर मंदिर में पुजारी मौजूद हैं, अभी फिलहाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया है क्योंकि गंगा पूजन के बाद प्रधानमंत्री नमो घाट से सीधे सड़क मार्ग से बाबा कालभैरव के दरबार पहुंचेंगे, काशी कोतवाल का आशीर्वाद लेंगे, वहां से काशी कोतवाल का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार अपनी काशी से नामांकन दाखिले के लिए वाराणसी के कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचेंगे। इसके लिए भी अगर तैयारियों की बात की जाए तो ये करीब 7 किलोमीटर का रास्ता है जो तय करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नामांकन के लिए पहुंचेंगे। कल प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था करीब 4 घंटे तक, बिल्कुल खासा लंबा रोड शो रहा, हमने इस दरमियान काशी की भव्यता देखी। भारत एक्सप्रेस हर एक वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन के दरमियान और रोड शो को लेकर के सामने आ रही है। कृष्णमोहन, आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन के दरमियान बीजेपी के दिग्गज चेहरे तो यहां है ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत 18 केंद्रीय मंत्री यहां मौजूद हैं, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री। इसे भरसक ग्रैंड बनाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश, लेकिन साथ में एनडीए के भी तमाम सहयोगी दलों के बड़े चेहरों की मौजूदगी के बीच नामांकन होगा। निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जब नामांकन करेंगे तो उनके पार्टी के तमाम बड़े सहयोगी जो उनके कैबिनेट के कलीग हैं और जो पार्टी अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री हैं, वहाँ पे रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके नॉमिनेशन में वो पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम अपने घटक दलों के साथ सरकार बनाते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक हम उनको अपने साथ रखते हैं, तो ये मैसेज ये भी देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई तोल मोल नहीं होता, अगर आप हमारे साथ आ गए, हमारे विचारधारा से जुड़ गए तो आपका ख्याल रखा जाएगा। ये एक मैसेज देने की बात है और मैसेज दिया जा रहा है, और पोस्चरिंग इस बात की है कि हम गंगा जमुनी तहजीब के साथ साथ सभी वर्ग के लोगों को, सभी समाज के लोगों को
सभी विचारधारा के लोगों को जो हमारे साथ मिल सकते हैं उनको साथ लेके चलते हैं। प्रीति, ठीक है, यहाँ पर चार प्रस्तावकों के नाम का भी अब ऐलान हो चुका है। इन प्रस्तावकों को लेकर के कृष्ण मोहन, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि इन्हें जिस तरीके से चुना गया, इसके पीछे भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। आपने अभी गंगा सप्तमी, अभिजीत मुहूर्त सबकी बात की, तो जाहिर सी बात है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जो राम, भगवान राम के स्थापना की जिन्होंने तारीख निकाली थी शास्त्री जी, उनको प्रस्तावक बनाया गया है जी। बाकी सोनकर जी को तो उनका एक सामाजिक और सोशलिस्ट उनका लोगों में प्रतिबिंब देने की बात की जा रही है कि हम कैसे कैसे लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं जो समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं जी। दो प्रस्तावक में एक एकेडमिशियन है और एक सोशलिस्ट है। तो ये मैंने जो कहा कि गंगा जमुनी तहजीब के साथ साथ लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते हैं, जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो उसको यहाँ पे प्रस्तावक के जरिए मैं एक सूचना दे देता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का 2 सेट नॉमिनेशन किया जाएगा। आमतौर पे सभी लोग करते हैं, 2 सेट नॉमिनेशन किया जाएगा कि इन केस अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। और एक चीज और बता देता हूँ कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, जब आप नॉमिनेशन करने जाते हैं तो एक आप सिर्फ उम्मीदवार होते हैं तो उनके साथ सिर्फ 5 ही लोग अंदर जा पाएंगे और उसकी जो संख्या है उसमें जाके वो अपना नॉमिनेशन 11:40 पे करेंगे और मुझे लग रहा है कि 12:15 तक उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, कृष्ण मोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा और कौन कौन से चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नामांकन के दरमियान अंदर जाने की उन्हें इजाजत होगी, अनुमति होगी। सौरभ, एक बार फिर आपका रुख करते हुए, सिक्योरिटी को लेकर के खास इंतजाम किए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन के लिए पहुंचेंगे, वहां के अरेंजमेंट्स किस तरह के हैं, और साथ ही साथ काल भैरव जो कि काशी के द्वारपाल के रूप से जाने जाते हैं, कहा जाता है कि उनके इजाजत के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते काशी में, यहां पर को लेकर किस तरह के इंतजाम आते हैं और क्षेत्र की जनता में किस तरह का कोताहल देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। जी प्रीति, देखिए सुबह से ही दशाश्वमेध घाट वाले मार्ग को नो मैन जोन कर दिया गया है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग जो की गई है उसके अंदर लोगों को रखा गया है। पूरा एसपीजी ने एक सिक्योरिटी कार्डन बना रखा है जिसपे किसी भी को भी जाने की अनुमति नहीं है। दशाश्वमेध घाट के पहले गदौलिया चौराहे पर ही ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है और वहां पर 7 लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 7 स्तरीय सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाया गया है जिसमें सबसे पहले सब प्रधानमंत्री के सबसे करीब एसपीजी का घेरा होगा, उसके बाद स्पेशली ट्रेंड कमांडोज होंगे, उसके बाद यहाँ पर यूपी की जो एसटीएफ की और एटीएस की टीम है उनका एक सिक्योरिटी कार्डन होगा, फिर उसके बाद यूपी पुलिस का एक कार्डन होगा, फिर आरएएफ का कार्डन होगा। तो इस तरीके से कह के 7 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। अगर बाबा काल भैरव के मंदिर की बात करें तो जो रास्ता है बाबा काल भैरव के मंदिर से आम श्रद्धालुओं के जाने का, उसी रास्ते से प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे तो वहां पर भी आम श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन फिलहाल और उनका मूवमेंट रोक दिया है। उस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। चूंकि काल भैरव का जो इलाका है वो बनारस की सकरी गली में स्थित है तो इस लिहाज से वहां पर रूफ टॉप भी लगाई गई है, स्पेशली को बाइनोकुलर्स के साथ रूफटॉप पे लगाया गया है जो दूर तक निगहबानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला जब वहां से गुजरेगा तो वो दूर से ही दूरबीन के माध्यम से पूरे मूवमेंट पे नजर रखेंगे। वहीं एसपीजी के जो अधिकारी हैं वो लगातार सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वाराणसी के आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना कर रहे हैं। चूंकि आचार संहिता लागू है ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि एक उम्मीदवार की तौर पे अपनी काशी में पहुंचे हैं तो उनको कोई विशेष प्रोटोकॉल और इसकी कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है उसका पालन किया जा रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि रोड पर भी लोगों के जुटने का सिलसिला, आपने बात की कि बनारस के लोगों में कितना उत्साह है तो सुबह से ही यहाँ पर कड़ी धूप है, इसके बावजूद लोग सड़कों के किनारे इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। आज मैं बता दूं प्रीति कि आज प्रधानमंत्री का कोई घोषित रोड शो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जब भी काशी की सड़कों पर निकलते हैं तो लोग उनका अभिवादन करते हैं, उनके स्वागत के लिए लोगों की मौजूदगी इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर मुश्किल से 15 मिनट का भी सफर हो तो वो 4 घंटों में तब्दील हो सकता है, क्योंकि लोग पीएम मोदी को देखना चाहते हैं और दीदार के लिए इतनी संख्या में जमावड़ा हो जाता है
कि आसान नहीं होता कोई भी सफर। खैर मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर कृष्ण मोहन का रुख करते हुए। कृष्ण मोहन जी, यहाँ पर समझना चाहूंगी कि कल तक प्रस्तावकों का जब जिक्र किया जा रहा था तो उसमें कहा जा रहा था कि महिला प्रस्तावक भी होंगी, लेकिन आज जब नाम सामने आए हैं तो उसमें महिला प्रस्तावक नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से इसमें ओबीसी समाज को साधने की एक बार फिर कोशिश, क्योंकि लगातार विपक्ष ओबीसी को लेकर के हमलावर रहा है और बीजेपी की हर संभव कोशिश कि किसी भी तरीके से ओबीसी समाज को भी एक खास मैसेज कम्युनिकेट किया जाए कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका विकास, सबका सहयोग, बीजेपी का ये मोटो रहा है। सोनकर जी को जब लाया गया है तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी चेहरा है, और ओबीसी चेहरा के तौर पे पूरे भारत में मोदी से बड़ा कोई चेहरा है नहीं। कोई भी क्लेम कर ले कि मैं ओबीसी का लीडर हूँ अलग बात है, लेकिन मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं और उन्होंने कई मौकों पे कहा कि मैं ओबीसी हूँ। मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाएं कि गतिविधियाँ अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब कचहरी में टाइम आ गया है। आप देख सकते हैं कि इस चौराहे को किस तरीके से सजा दिया गया है और सजाने के साथ साथ किस तरीके से सिक्योरिटी की गई है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर अंदर कमरा नंबर 77 है जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी नॉमिनेशन करेंगे, और मैंने कल अपने बातचीत में कहा था कि तीन सीढ़ियाँ हैं, तीन सीढ़ी अगर उसको दूसरे तरीके से डिकोड करें तो एक 2014 की सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी 2019 की सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी 2024 की, जिस सीढ़ियों से चल के नरेंद्र मोदी अपने पार्टी की बैतरनी को पार कराना चाहते हैं। खुद तो वो जीतेंगे लेकिन उनको इस बात का विश्वास है, वो हमेशा कहते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आपका कंपटीशन किससे है तो वो कहते हैं कि अपने आप से। तो उन्होंने कहा कि जो 2019 में हमारे जो परिणाम आए थे उससे मैं बेहतर करके देना चाहता हूं, और उनका इतिहास गुजरात में इसी तरीके से रहा है और पीछे भी दो बार रहा है कि वो अपने परिणाम को खुद ही सुधारते रहते हैं, अपना कंपटीशन खुद ही करते हैं। ठीक है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब होंगी, उनको जीत का मंत्र देते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के बाद, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह? कार्यकर्ताओं का उत्साह इस तरीके से है कि मेरी बात हो रही थी वहाँ पे, जो उनके विश्वकर्मा जी जिला अध्यक्ष हैं, हर मंडल से और जितने पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख हैं उनसे आके वहाँ पे बैठेंगे। एक मंत्र सिर्फ दिया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे बढ़ाएंगे, लोगों को निकाल के घर ले जाएंगे, तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मोदी को लेकर लोगों में इतना एंथुसियाज्म है कि बिना कहे लोग वोट जाके डाले आएंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को ले जाना है बूथ तक तो उसको कैसे ले जाएंगे, कैसे उनसे स्नेह करेंगे, कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्या निवेदन करेंगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। करीब 50 मिनट तक एक संवाद चलेगा जिसमें लोगों के साथ एक छोटी सी टी पार्टी भी होगी, ताकि उनके जो बूथ प्रमुख है उनको ये न लगे कि हम प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ चुनाव लड़ते हैं और प्रधानमंत्री उनको नहीं पूछते। ठीक है, मैं एक बार फिर सौरभ का रुख करते हुए, सौरभ यहाँ पर कृष्ण मोहन जिस तरह से बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को एक खास संदेश देने की कोशिश, आप वाराणसी से ही आते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्य यूं तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने रोड शो में भी देखा हर एक व्यक्ति मोदी मोदी के नारे लगा रहा था, बावजूद इसके काशी को लेकर के लोगों की कुछ और उम्मीदें होंगी कि पीएम एक बार फिर यहाँ से आएंगे तो अब की बार इन वायदों को पूरा करेंगे। काशी में कौन से विकास कार्य हैं जो लोग चाहते हैं कि अभी बाकी हैं और उसे भी मुकम्मल किया जाए? जी देखिए प्रीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काशी की जनता को काफी उम्मीदें हैं और प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक उन उम्मीदों को पूरा भी कर रहे हैं। काशी की जनता की इस समय सबसे बड़ी डिमांड है ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोपवे प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिया है और वो प्रोजेक्ट इस प्रधानमंत्री के तीसरे टर्म में पूरा होने की उम्मीद है। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी हों और उनको ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है वो समय से पूरा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी में के लोगों को जब भी प्रोजेक्ट की सौगात देते हैं उसके साथ वो एक वायदा करते हैं, एक टाइमलाइन सेट करते हैं और उसके जरिए वो बताते हैं कि न सिर्फ हम परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं बल्कि उसको टाइम फ्रेम के अंदर उद्घाटन करते हैं। और प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की है कि कई प्रोजेक्ट तो समय से पहले पूरे हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम शेड्यूल डेट पर उसका इनॉग्रेशन किया। तो इस हिसाब से काशी की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार उम्मीद है। अच्छा, सिर्फ सड़क सुरक्षा और बिजली की बात ही नहीं,
बल्कि लोगों के जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं थी, रोजमर्रा की जो मूलभूत सुविधाएं थी, उस पर भी प्रधानमंत्री ने लगातार उस पर ध्यान दिया। जैसे अगर बात की जाए, अगर काशी की बात की जाए तो काशी में जबरदस्त बदलाव लोग देखते हैं। 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा यहां से सांसद चुने गए, तब से लेकर के अब तक काशी पूरी तरह बदल गई है और जिस तरीके का विकास हुआ है लोग उससे बेहद खुश हैं, प्रभावित हैं। लगातार हमारी टीम आपको हर एक पल की अपडेट भी दे रही है, आज के जो कार्यक्रम है उसके बारे में तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं।